नमस्कार, मैं शालिनी वर्मा अपने इस चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। बीमारी की जड़ पे प्रहार करते हुए आजकल हम सभी बीमारियों का साइकोलॉजिकल रीजन जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे शरीर में कोई भी बीमारी तभी बनती है जबकि कोई ना कोई मेंटल इमोशनल उथल पुथल का दौर हमारे जीवन में चल रहा हो, या हमने अपने पास्ट में उस परेशानी को उथल पुथल को झेला हो। तो उसी सीरीज में आज मैं आपको बताऊंगी कानों को लेकर, क्यों हमको कान में प्रॉब्लम होती है, क्यों हमको कान की बीमारियां होती हैं, कान में दर्द होता है, क्या रीजन है इसका। साइकोलॉजिकल अगर रीजन की बात करें तो कान में हमको दर्द होना तब शुरू होता है जबकि हम कोई बात सुनना नहीं चाह रहे हो, मतलब कोई ऐसी बात जो या तो हमें सुनने से दुख या तकलीफ होगी तो हम बचते हैं कि हमको वो बात कभी सुननी ना पड़े, या फिर हमसे कोई गलती हुई है, हम कोई बात सुनना नहीं चाहते कि हमको कोई दो बात सुनाए। अगर आप ऐसी परिस्थिति को अवॉइड करते हैं तो आपके कान में दर्द होने लगेगा। अगर गुस्सा किसी के लिए है तब भी आपके कान में दर्द होगा। अगर आपकी लाइफ में उथल पुथल बहुत ज्यादा है, मतलब कभी जॉब चेंज, कभी घर चेंज, कभी कुछ और, कुछ ना कुछ परिस्थितियां बदलती रहती हैं, उथल पुथल का दौर बहुत ज्यादा होता है, तब भी आपको कान में दर्द होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा घर में अगर आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, घर में आपके लड़ाई झगड़े का माहौल है, बात बात में किसी ना किसी व्यक्ति से आपका आर्ग्यूमेंट होता है या घर में आपस में लोगों का होता है, तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको कान में दर्द होने लगेगा। मैं आज आपको कान में दर्द के लिए स्विच वर्ड, नंबर, अफर्मेशन सब चीज बताऊंगी, पर सबसे इंपॉर्टेंट है उस रीजन को जान लेना। यही बीमारी की जड़ पे प्रहार है, क्योंकि बीमारी की जड़ तो वही जो घर में उथल पुथल हो रही है, जो घर में स्ट्रेस हो रहा है, जो घर में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, जो गुस्सा आपके अंदर है, या जो बातों को आप सुनना नहीं चाहते, उन्हीं की वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। तो ये तो है कान में अगर आपको दर्द होता है तो उसके पीछे आप देखिएगा इन चारों में से कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। अगर आपको कान में कुछ आवाज सुनाई देती है जिसको हम टिनिटस बोलते हैं, आपको कुछ ना कुछ ऐसे सुनाई देता रहता है कान में, हल्का हल्का हल्का, हमेशा पूरे दिन सुनाई देता रहता है, इसका क्या कारण होता है? इसका कारण होता है कि आप अपने इनर वॉइस को लगातार अवॉइड कर रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं। कहते हैं ना मन की आवाज, अंतरात्मा की आवाज। तो जब मन की आवाज को आप अवॉइड करेंगे अगर, तब आपको ये कान में टिनिटस की प्रॉब्लम होती है। दूसरा जो इसका रीजन है वो है अक्खड़पन। आपके अंदर बहुत ज्यादा अक्खड़पन है अगर, तब भी आपको ये प्रॉब्लम होगी। तो ये दो प्रॉब्लम्स हैं, खास तौर पे कान में हमको यही ज्यादा होता है, हमको दर्द ज्यादातर होने लगता है। तो अगर दोनों ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उनके रीजंस तो ये हैं। अब आप एनालाइज करिए इसमें से कौन सा रीजन आपके साथ है। इसमें जो अफर्मेशन आप कान की प्रॉब्लम्स में कर सकते हैं वो होगी, आई एम रेडी टू हियर इनर वॉइस, आई एम रेडी टू हियर डिवाइन वॉइस। मतलब आप कुछ सुनने को तैयार नहीं है तभी आपको कान में दर्द हो रहा है, चाहे एक दो दिन से होने लगा हो और चाहे आपको बहुत लंबे समय से दर्द हो रहा हो। अगर एक दो दिन से तुरंत तुरंत होने लगा है तब तो आप ये अफर्मेशन करेंगे और थोड़ा सा अपनी परिस्थिति को बदलेंगे। जैसे मैंने कहा कि घर में उथल पुथल से होता है तो प्रयास करिए कि घर में माहौल अच्छा रहे, आर्ग्यूमेंट्स लोगों के साथ आपके कम हो या और लोगों के आपस में कम हो। आपने इन परिस्थितियों को अवॉइड करना शुरू किया वैसे ही कान में आपको इंस्टेंट आराम मिलने लगेगा। और साथ में जो मैं अफर्मेशन आपको बता रही हूँ, इस अफर्मेशन को भी आप बोलिए, सुबह शाम बोलिए। अगर लगातार दर्द होता है तो सुबह शाम बोलिए, लगातार दिन में भी बोलिए। आई एम रेडी टू हियर माई इनर वॉइस, आई एम रेडी टू हियर डिवाइन वॉइस, मैं पूरी तरह अपनी आवाज, मन की आवाज सुनने के लिए तैयार हूं। जब आप ये अफर्मेशन करेंगे आपको कान में बहुत आराम आएगा। स्विच वर्ड,
अगर कान के लिए आप स्विच वर्ड चैंट करना चाहते हैं तो वर्ड है हीदर। हीदर एक ऐसा वर्ड है, अगर आप इसको चैंट करेंगे तो आपको बहुत आराम आएगा। ये एक पर्सनल स्विच वर्ड है, आप इसको इस्तेमाल करके देखिए और फिर देखिए कैसे कान में आपको दर्द में तुरंत आराम आता है, टिनिटस की प्रॉब्लम में भी आपको बहुत जल्दी आराम इससे आना शुरू हो जाएगा। कान के दर्द के लिए नंबर जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है 10.7 हर्ट्ज। 10.7 हर्ट्ज ऐसा नंबर है जो कान की हर प्रॉब्लम में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं, जो वर्ड मैं लेना भूल जाती हूँ वीडियोस में, आप उसी वर्ड का पूछते हैं कि उसमें यूज करें या ना करें। जब मैं बोल रही हूँ कान की सभी प्रॉब्लम्स में, तो आप इसको कान से जुड़ी सभी प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल करेंगे। कान में दर्द हो रहा हो या कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो, स्वेलिंग कभी कभी आ जाती है, कोई भी कान की प्रॉब्लम हो, तो आपको यही वर्ड इस्तेमाल करना है और यही नंबर इस्तेमाल करना है, 10.7 हर्ट्ज। कैसे नंबर इस्तेमाल करेंगे? लेफ्ट हैंड पे लिखिए, लेफ्ट पूरे बॉडी पार्ट में आप कहीं भी लिख सकते हैं, किसी भी कलर के पेन से आप लिख लीजिए और तब तक लिखते रहिए जब तक कि आपको कानों में आराम नहीं आ जाता। तो ये है कानों की प्रॉब्लम। कानों की प्रॉब्लम के लिए कैसे हम उसके रूट पर प्रहार करें, जड़ पे प्रहार करें, आज मैंने आपको कानों को लेकर बताया। कुछ और भी आप किसी बीमारी के लिए चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, पर्सनल मुझे व्हाट्सएप करके बिल्कुल ना बताएं, जो भी आप कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए, कमेंट सेक्शन में मैं जरूर पढ़ती हूँ। आपने कानों को लेकर बोला था वीडियो बनाने को, इसीलिए मैं कान पे वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को यकीन रहे कि मैं आपके कमेंट्स को रिव्यूज करती हूँ। जो लिखना है आप लोग वहां पर ही लिखिए, पर्सनल मुझे व्हाट्सएप ना कीजिए इन सब चीजों के लिए। कुछ और जानना चाहे तो कमेंट्स में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।